नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा, स्वागत है आप सभी का अननूबिस यूट्यूब हिंदी चैनल में। तो जैसा कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फुल डिटेल्स ऑफ एमसीए। जी हाँ दोस्तों, एमसीए के बारे में पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो जो है हमारी एमबीए की थी, बीसीए की थी, ये सभी टॉपिक हम लोगों ने जान लिया है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमसीए के बारे में। अगर आप एमसीए करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कैसे आप एमसीए कर सकते हैं, किस स्ट्रीम से अगर आपने पढ़ाई करी है तो आप एमसीए कर सकते हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि एमसीए पे हमारा कंटेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एमसीए, उसके बाद हम लोग जानेंगे कोर्स ड्यूरेशन ऑफ एमसीए, यानी कि एमसीए करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, इसका कोर्स ड्यूरेशन कितना है, ये हम लोग जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एलिजिबिलिटी, यानी कि एमसीए करने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये चीज़ें हम लोग जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सिलेबस, इसमें क्या क्या सिलेबस आता है, ये चीज़ें जानेंगे। और उसके बाद है कोर्स बेनिफिशियल, यानी कि एमसीए करने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, ये हम जानेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एरिया, एमसीए करने के बाद आप किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं, किस किस फील्ड में आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये है हमारे एमसीए के कंटेंट, तो इसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके से हम आपके लिए कंप्यूटर, टेक्निकल, मोबाइल और एजुकेशन से रिलेटेड हर एक जानकारी लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट बीसीए, जैसा कि आज का हमारा यही टॉपिक है एमसीए के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एमसीए की, तो सबसे पहले हम जानें व्हाट इज़ एमसीए, एमसीए क्या होता है। तो दोस्तों एमसीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, जो एमसीए होता है ये आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री प्रोवाइड करता है। अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर फील्ड में है, अगर आप कंप्यूटर की पढ़ाई करना चाहते हैं और कंप्यूटर के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो एमसीए करने से क्या होगा कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि कंप्यूटर के फील्ड में एक मास्टर डिग्री प्राप्त हो जाएगी, आपके पास एक मास्टर डिग्री हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर आप एमसीए करना चाहते हैं तो एमसीए जो है आप आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ये जो है आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद का एक कोर्स है एमसीए, जो कि मास्टर डिग्री प्रोवाइड करता है। तो किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री के बाद, यानी कि अगर आपने कोई बैचलर डिग्री की है तो उसके बाद जो है आप एमसीए कर सकते हैं। इसमें भी कुछ बाउंडेशन है कि आप किस स्ट्रीम से अगर आपने पढ़ाई पीछे की है तो आप एमसीए कर सकते हैं, तो इसके बारे में अभी हम आगे बात करने वाले हैं। और दोस्तों जैसे मान लीजिए कि अगर आपने बीसीए कंप्लीट कर रखा है, आपने बीसीए किया हुआ है, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अब कंप्यूटर एप्लीकेशन के फील्ड में आपने बीसीए करके बैचलर डिग्री प्राप्त की है, तो आप जो है एमसीए कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, अगर आप बीसीए किए हैं तो आप एमसीए ज़रूर करें। उसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कोर्स ड्यूरेशन ऑफ एमसीए। जी हाँ दोस्तों, एमसीए करने के लिए आपके पास कोर्स ड्यूरेशन क्या होगा, यानी कि कितने टाइम में जो है आप एमसीए कंप्लीट कर लेंगे, ये हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपने बीसीए किया हुआ है, बीसीए कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आप बीसीए के बाद अगर आप एमसीए करते हैं तो ये जो है आपका 2 ईयर का कोर्स होगा एमसीए, यानी कि आफ्टर बीसीए के बाद जब आप एमसीए करेंगे तो ये आपका 2 ईयर में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। या फिर अगर आप आफ्टर अदर्स में, जैसे अगर आप बीएससी किए हैं या फिर बीए किए हैं, इस टाइप का कोई भी अगर आप बैचलर डिग्री कंप्लीट किए हैं, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री अगर आप कंप्लीट किए हैं और उसके बाद अगर आप एमसीए के फील्ड में जाते हैं, अगर आप एमसीए करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको लगेगा 3 ईयर, यानी कि 3 ईयर में आपका जो है एमसीए कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप बीसीए के बाद एमसीए के फील्ड में जाते हैं, अगर आप बीसीए के बाद एमसीए करना चाहते हैं, तो ये आपका कंप्लीट होगा मात्र 2 ईयर में। और अगर आप अदर ग्रेजुएशन जैसे बीएससी, बीए के बाद अगर आप एमसीए करते हैं तो ये आपका कंप्लीट होगा 3 ईयर में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि अगर आप बीसीए के बाद एमसीए करते हैं, तो बीसीए में आपका जो
कंप्लीट ड्यूरेशन होता है वो होता है 3 ईयर का, यानी कि BCA कंप्लीट करने के लिए 3 ईयर लगेंगे। BCA के बारे में हमने पूरी डिटेल्स में एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं MCA की। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपका कंप्यूटर के फील्ड में इंटरेस्ट ज़्यादा है, आप उस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं और MCA करना चाहते हैं, तो अगर आप BCA किए हैं तो ये काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ पर जो है टोटल कोर्स ड्यूरेशन कितना होगा, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप BCA किए हैं तो BCA में आपका लगता है 3 ईयर और MCA में आपका कंप्लीट होता है 2 ईयर, यानी कि BCA के बाद अगर आप MCA करते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा 2 ईयर और ये दोनों मिलके 3 ईयर प्लस 2 ईयर हो जाएगा आपका 5 ईयर की डिग्री, यानी कि दोनों अगर आप करते हैं BCA के बाद MCA तो ये दोनों ही डिग्री आपकी 5 ईयर में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई अदर ग्रेजुएशन डिग्री जैसे BSc किए हुए हैं या फिर BA किए हुए हैं तो इसके बाद अगर आप MCA करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको MCA करने के लिए 3 ईयर का टाइम देना होगा। तो यहाँ पर आपको एक बेनिफिट था कि अगर आप BCA के बाद MCA में जाते हैं तो केवल 2 ईयर में ही आपका कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर आप किसी अदर ग्रेजुएशन के बाद जैसे BSc BA के बाद अगर आप MCA में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आपको MCA करना है तो यहाँ पर आपको MCA का कोर्स ड्यूरेशन 3 ईयर का हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं स्पेशलाइजेशन के बारे में। अगर आप MCA करते हैं तो आपके पास क्या क्या स्पेशलाइजेशन हो सकती है, आप किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है, उसके बाद हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, उसके बाद है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आप कर सकते हैं, इस फील्ड में भी आप जॉब कर सकते हैं, यानी कि अगर आप MCA करते हैं तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में जा सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं या फिर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के फील्ड में जा सकते हैं या फिर सिस्टम मैनेजमेंट, ये भी आप जॉब कर सकते हैं, या फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या फिर जैसे है सिस्टम इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारी स्पेशलाइजेशन जो है आपको MCA करने के बाद मिल सकती है, जो कि काफ़ी बेहतर है अगर आप MCA करते हैं और अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर फील्ड में है तो आप MCA जरूर करें। उसके बाद दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप MCA करना चाहते हैं तो आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सी एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए कि आप जो है MCA कर पाएं, तो ये क्वेश्चन जो है ये ज़्यादातर स्टूडेंट के माइंड में होता है। ये सभी लोगों का मानना है कि अगर हम MCA करें तो हम किस स्ट्रीम से अगर हम अपनी ग्रेजुएशन या फिर 10+2 किए रहें ताकि हम MCA कर पाएं। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो स्पेशली आपके लिए MCA बेस्ट होगा, क्योंकि MCA अगर आप साइंस से या फिर कॉमर्स से किए हुए हैं तो अगर आप MCA करते हैं तो ये काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप BSc किए हैं या फिर BA किए हैं तो आप MCA नहीं कर सकते हैं, तो भी आप MCA कर सकते हैं। जैसे अगर आप साइंस से हैं या फिर कॉमर्स से हैं या फिर आर्ट्स या फिर कोई भी इंजीनियरिंग अगर आप कोर्स किए हैं तो अगर आप MCA करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती है जो कि अगर आप आर्ट से ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आपको MCA कराती हैं, MCA आपको प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एक कंडीशन होती है कि MCA करने के लिए आपको 10+2 में मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। अगर आपका 10+2 में मैथमेटिक्स नहीं है तो आप जो है MCA नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि सबसे पहले आपका 10+2 में मैथमेटिक्स होना चाहिए, उसके बाद जो है आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किए हो या फिर आप साइंस से हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या फिर कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स अगर आपने किया है तो आप MCA कर सकते हैं, ये काफ़ी बेस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस यानी कि इस कोर्स में आपको कितने सेमेस्टर मिलेंगे, किस तरीके से इसका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप बीसीए के बाद एमसीए में एडमिशन लेते हैं, बीसीए के बाद अगर आप एमसीए करते हैं, तो ये आपका 2 ईयर में कम्प्लीट हो जाएगा। और 2 ईयर में आपको 4 सेमेस्टर कम्प्लीट करने होंगे, जो कि 6-6 महीने पर 1 सेमेस्टर होता है। तो 1 ईयर में आपका 2 सेमेस्टर कम्प्लीट होगा और 1 ईयर में आपका 2 सेमेस्टर कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से 2 ईयर में टोटल मिला के 4 सेमेस्टर आपको कंप्लीट करने होंगे एमसीए में, अगर आप आफ्टर बीसीए के बाद एमसीए में जाते हैं तो। लेकिन अगर आप यहीं पर किसी अदर बैचलर डिग्री के साथ जाते हैं, जैसे अगर आपने बीएससी किया है, बीए किया है, अगर आप इसके बाद एमसीए करते हैं, तो यहाँ पर आपको 6 सेमेस्टर मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको 2 सेमेस्टर बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आप जो है बीए बीएससी के बाद अगर आप एमसीए करते हैं, तो यहाँ पर आपको एमसीए 3 ईयर का ड्यूरेशन हो जाएगा। तो 3 ईयर में आपको टोटल 6 सेमेस्टर कंप्लीट करने होंगे, तो इस तरीके से आपका एमसीए जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। अब उसके बाद अब हम देख लेते हैं एम्प्लॉयमेंट्स एरिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले सॉफ्टवेयर कंपनीज में आपको ऑफर मिल सकते हैं जॉब के। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करना चाहते हैं जहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, तो अगर आप एमसीए किए हैं तो काफ़ी ज़्यादा उसमें नॉलेज हो जाता है कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर के फील्ड में काफ़ी बेहतर नॉलेज आपके पास हो जाता है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में जाना चाहते हैं, आपको वहाँ पर भी ऑफर मिल सकता है, तो आप उसमें भी जॉब कर सकते हैं। उसके बाद आईटी कंपनी में, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी में भी अगर आप जॉब करना चाहते हैं, तो इसमें भी आपको चांसेस मिल सकता है। उसके बाद अगर आप एमसीए किए हैं और बैंकिंग में जॉब करना चाहते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में भी आपको जॉब मिल सकती है। उसके बाद है डाटाबेस मैनेजमेंट कंपनी। अगर आप डाटाबेस मैनेजमेंट कंपनी में जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको बहुत चांसेस मिल सकते हैं। उसके बाद है अगर आप स्कूल कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप प्रोफेसर के तौर पे जाना चाहते हैं, यानी कि अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप टीचिंग कराना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ पर बन सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आप जो है प्रोफेसर के तौर पे टीचिंग कर सकते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट जॉब। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, आपको एमसीए के बाद गवर्नमेंट जॉब करना है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है नेटवर्किंग कंपनीज। नेटवर्किंग कंपनी में भी आपको एमसीए के बाद आपको बहुत ज़्यादा चांसेस मिल सकता है। तो इस तरीके से अगर आप जहाँ भी जॉब करना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे फील्ड आपके लिए तैयार हो जाते हैं अगर आप एमसीए करते हैं तो आप जिस भी फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, आप उस फील्ड में जॉब कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने एमसीए के बारे में पूरी डिटेल्स में जाना। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका रिप्लाई देने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक सजेस्ट करेंगे कि अगर आप एमसीए करना चाहते हैं, तो आप बीसीए के बाद ही एमसीए करें तो काफ़ी बेहतर होगा। अगर आपका लक्ष्य एमसीए करना है, तो आप जो है बीसीए ज़रूर करें। यानी कि अगर आपका 10+2 मैथमेटिक्स से है, तो 10+2 के बाद जो है आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं अगर आप एमसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। तो अगर आपका 10+2 में मैथमेटिक्स है, तो उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, बीटेक या फिर बीसीए। तो इसमें से आपको जो भी कोर्स करना है आप कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप एमसीए में एडमिशन लेते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने एमसीए के बारे में पूरी डिटेल्स में जान लिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।